अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की वीडियो जो है ना बड़ी मज़ेदार होने वाली है, इसलिए बिल्कुल आखिर तक बने रहिएगा। हाँ, और ये जो दीदी है ना, दीदी तो नहीं बोलेंगी, ओ लड़की, ये जो लड़की है ना आजकल बड़ा चिल्ला रही है, चिल्ला चिल्ला के कान को बहरे कर दिए पूरे सोशल मीडिया में। और जो जो इसका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं इसको उभार रहे हैं कि अरे हाँ चलो दीदी बोलो बोलो तुम बोलो, हम लोग तो नहीं बोल सकते, चलो तुम लोगों के ज़रिया बुलवा रहे हैं। अब इन लोगों के ज़रिया बुलवाया जा रहा है इन लोगों को ज़्यादा मीडिया में जो है शो ऑफ हाइप करके। तो चलिए ज़रा ये जो लड़की जो भौंक रही है ना चिल्ला चिल्ला के गले फाड़ फाड़ के, अरे बाबा इतना चिल्लाने से जो है तुम्हारी जो कही हुई बात वो सही नहीं हो जाएगी और सच भी नहीं हो जाएगी, बात समझ में आ रही है? तो इतना भी ना चिल्लाओगे तुम्हारे यहाँ की नसें फट जाए, है कि नहीं? तो पहले चलिए ज़रा सा इसकी बकवास सुन लीजिए, फिर मैं जवाब दूंगी। और अभी जब हमारा मंदिर का मुद्दा छेड़ा है तो आप इस पक्ष पे ललकार रहे हैं कि बीजेपी हिंदू और मुसलमान कर रही है। जैसा कि इसने कहा कि बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम करवा रही है, एकदम 100% राइट, ये तो पूरी दुनिया जानती है, इंटरनेशनली ये बात लोग अब जान गए, बाहर के लोग भी जो है अब जान गए कि ये जो बीजेपी जब से आई है तब से ही हिंदू मुस्लिम का मुद्दा शुरू हुआ। पहले ये सारे मुद्दे नहीं थे, ना मंदिर मस्जिद के मुद्दे थे, सब अपना जो है अजान करते थे, मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, जो लोग थे पूजा करने जाते थे मंदिरों में अपनी घंटियां बजाते थे, किसी को कोई दिक्कत और परेशानी नहीं थी। लेकिन जब से 2014 से बीजेपी आई है सरकार, तब से ही ये सारे हिंदू मुस्लिम शुरू हुए और मस्जिदों के नीचे मंदिर की खुदाई शुरू हुई, तब से ही। इससे पहले किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सारे अपने काम में लगे थे, बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ा था लेकिन था। लेकिन अभी जो हाल है ना, अभी तो कुछ भी नहीं बचा, तो हिंदू मुस्लिम ही करेगी ना, तो ये करवा रही है बीजेपी, पूरी दुनिया जानती है अब ये बीजेपी के बारे में, बात समझ आई लड़की? अब देखो भाई, मैं ये इसको बहना वहना तो नहीं बोल सकती, ना मुझे इससे रिश्तेदारी जोड़ने की कोई शौक है, क्योंकि ये मेरे लेवल की नहीं है। दूसरी बात, इसने खुद कह दिया कि बहुत हो गया भाईचारगी, तो मुझे भी यहाँ, मैं कोई भाईचारगी तो निभाने बैठी नहीं, वो भी ऐसे नफरत फैलाने वाले लोगों से जो माहौल को संभाल तो नहीं सकते, हाँ बिगाड़ने का काम इस तरह से जहर उगल उगल कर मुँह से बिगाड़ने का काम ज़रूर करते हैं। तो ऐसे लोग जो है ना वो मेरे तो रिश्तेदार या बहनें वगैरह हो नहीं सकते। अगर मेरी बहन होती या अगर मैं इसको बहन बोलती, इसके मार के चप्पलों से मुंह तोड़ देती, चप्पलों से मार कर बराबर से मुंह तोड़ देती इस तरह से जहर उगलने के लिए। और पता नहीं घर वाले, इसके घर वाले कैसे हैं, छोड़ कर रखे, हाँ बेटा जाओ तुम फेमस हो रही हो, तुम फेमस करो करो हिंदू मुस्लिम, सबको तो मुसलमान के नाम का झुंझुना चाहिए, आजकल तो ये ट्रेंड चला है कि फेमस होना है सोशल मीडिया में तो बस मुस्लिम का झंडा लहरा दो, तुम फेमस। हम ऐसे समुदाय से और क्या उम्मीद रख सकते हैं सर, जिनके घर में उनकी बहन और बीबी में उनको समांतर पता नहीं है, ऐसी समुदाय से हम क्या उम्मीद? सही कहा, जिनके घर में जो है बीवी और जो है बहन में कोई अंतर ना हो, यानी कोई डिफरेंस ना हो, जिस तरह से बीवी को इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से जो है भाभी को इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से बहन को इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों से हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं। धर्म सांसद का फाइनेंसर, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो दिखाई, लिंक दे दूंगी वीडियो की, पूरी फुल वीडियो देख लीजिएगा। अपनी बीवी को, उसकी अकेली वाहिद बीवी को ससुर भी यूज़ करता था, उसकी जो है उसका भाई भी यूज़ करता था, खुद भी यूज़ करता था और अपने दोस्तों से भी बराबर से यूज़ करवाता था। तो भैया ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जाए? बस बस रुको, अभी इतना ख़त्म नहीं हुआ, अभी और भी 3-4 नमूने मेरे पास हैं दिखाने के लिए, देखो वीडियो देखो। अंकल एक मिनट, एक सेकंड, कुछ बात करनी है आपसे। ये आप अभी यहाँ पे क्या शादी करके आ रहे हैं? शादी करी आपने? हाली हाली। तो ये इसके देखो, लड़की की इसको देखो, एज देख रहे हो आप इसकी, कितनी छोटी है ये और आप इतने बड़े हो। बेटा एक्सपायर हो गया था, तो ये मेरी पहले बहू थी, तो इनके भी आगे पीछे कोई नहीं है, तो मेरा भी एक बेटा था वो भी चला गया, तो इस करके मैंने कहा घर की बात घर में ही रह जाए। तो ये मतलब घर की बात कोई अच्छी बात है? ये अच्छा था आपको, मतलब अच्छा लग रहा है कि जो आपके बेटे की बहू थी अब आपसे शादी कर ली? अब क्या बताएं, अब नहीं क्या बताएं, कि आपको सोचना चाहिए ना, समाज क्या बोलेगा, आपने सोचा है? मंदिर में आप आ रहे हो और यहाँ पे शादी करके, मतलब क्या मैडम कोई जोर जबरदस्ती से शादी है आपकी? क्यों करी है शादी आपने? आपको नहीं पता आपका फ्यूचर है आगे, अभी आपकी एज क्या है, कितनी एज आपकी? 25 एज है। और आपकी कितनी है? 45 साल। तो मतलब दुगना फर्क है, आपको वो नहीं दिखा क्या? मेरे को यहाँ पे है नहीं, इसलिए मैं आगे पीछे कोई भी नहीं है मेरे, तो इसलिए आपने इनसे शादी कर ली, मतलब आगे पीछे आपका कोई भी नहीं है, तो इन अपने ससुर से शादी कर ली? थोड़ी शर्म वरम नहीं आई आपको? मतलब कुछ तो सोचना चाहिए ना कि चलो ठीक है अंकल, आपको तो शर्म आनी चाहिए ना, चलो ठीक है इसका तो हस्बैंड एक्सपायर हुआ, लेकिन आपको तो सोचना चाहिए ना, घर की इज्जत को छोड़ा भी नहीं जा सकता ना, बाहर भी नहीं छोड़ा जा सकता। अरे छोड़ा क्या नहीं जा सकता, आपने कभी इसको एक तरीके से आपने इसको बेटी समझा था ना। चलो एक और वीडियो देख लो, बाप अपनी बेटी से शादी कर रहा है, नहीं करोगे तो बेच डालूंगा, देख लो। मेरे पापा ये मेरे को घर पे बैड टच करते हैं और बोलते हैं कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो तुम्हें बेच दूंगा। ये भगवान क्या, मेरे पढ़ती थी फेसबुक फ्रेंड है, बड़े हरामी हो आप, झूठ बोल रहे हो अंकल जी। भाई फेसबुक फ्रेंड है, मैंने शादी की। दीदी क्या बात है,
भाभी बोलो भाभी बुलवाऊं भी। दीदी दीदी के कौन है आपके? ये मेरे पापा है। अब एक बुढ़ी आंटी जी का भी देख लो, माँ अपने बेटे से शादी करी, भांजे से शादी कर रही है, तो पता नहीं किससे शादी कर रही है, और बोली मेरे पास बड़े पैसे हैं, मैं अपने शौहर कम बच्चे को पाल लूंगी, क्योंकि इस उम्र में तो इसके बच्चे पैदा हो नहीं सकते, तो इसने शौहर कम बच्चा जो है गोद ले लिया है, खरीद लिया अपने पैसे से। वीडियो देख लो। आई क्या चल रहा है यार, ये आंटी जराओ क्या चल रहा है आंटी? मेरी बहन का लड़का है, मैं इससे शादी करती हूँ, प्यार करती हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, सर तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहा है। अब इधर आओ, क्या कर रही हो तुम, ये तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम अपने बेटे के उम्र के लड़के शादी कर रही हो, अपने बच्चे के जो तुम्हारे पोता है, ये तुम्हारे पोते उम्र के लग रहा है? मेरे पास पैसा है। क्या है? शादी कर लूं। अच्छा तुमने शादी कर ली इनसे? हाँ भाई, हाथ का बहुत तेज़ी मारूंगा। हाँ क्या कह रही हो तुम, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास बहुत पैसा है। अच्छा मैं इसको शादी करूंगी, इसी से इसे शादी करोगी? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम अपनी किसी, कौन है तुम्हारा ये? ये मेरा, हाँ? इसका पति है। ये तुम्हारा पति है? हाँ। अच्छा तुम्हारा पति है ये? हाँ। ओए बहुत तेज मारूंगा ड्रामे में तेरे से, अगर समझ गया। पीछे हो जा, पीछे आ रहा, आटा मारूंगा दे, धक्का मत दे, पकड़ जरा फोन, पकड़ी भाई फोन, पकड़ी भाई। अम्मा, ओ अम्मा शर्म नहीं आती नहीं, कहाँ की तू, कहाँ की अम्मा, कौन से गाँव की है? मैं गाँव की। हाँ अपनी उम्र, इसकी उम्र फर्क नहीं, तेरे अपनी उम्र, इसकी उम्र फर्क नहीं है। पीछे जा, पीछे जा, क्या शादी कर ली, क्या ढूंढ रहा है शादी दी का? मंदिर जाके पता कौन है, मुझे पता कौन से मंदिर में आती है? मंदिर में भाई है, शनि मंदिर में। ऐसा मारूंगा रे आप तेरे मुंह पे, समझ गया, सारे कुत्ता बना दूंगा तुझे, क्या समझ रहा होगा कुछ? अरे अम्मा, ओ अम्मा, फिर देख, फिर धक्का दे रहा है, फिर धक्का दे रहा है, पीछे जा, रुक जा, रुक जा, इधर रुक जा, इधर रुक जा। ये सेवा तो करेगा मेरी, सेवा तो करेगा तुम्हारी, तो तुम्हें शादी कर ली से, तुम्हारा बेटा मानती, शादी करने का क्या मतलब है तुम्हारा? शादी करनी है। फोन नंबर फोन कर, फोन नंबर फोन कर ले भाई, कर ले, फोन कर लूं, कर ले, बहुत पैसा छूट जाएंगे। अच्छा बहुत पैसा हमारे पास, थप्पड़ मारूंगा भाई, मार क्यों रहा है, पीछे मार क्यों रहा है, छोड़ उसका हाथ, छोड़ उसका हाथ, छोड़ दे, हाथ छोड़, बर्बाद मत कर इसकी जिंदगी, बता रहा हूं तुझे अम्मा क्या कर, तेरी मां की उम्र की है, तू शर्म नहीं आ रही, तेरी तो बिजो, तेरी तो मां, तेरी तो मां, तू शर्म नहीं आ रही, कोई शर्म नहीं है, क्या शर्म नहीं है, क्या शर्म है, कुछ शर्म नहीं है, ये देख कैसे कर रही है, करनी है तो करनी है, क्या करनी तो करनी है, के ये माथा ठीक नहीं, यहां पे भगवान क्या, तुझे भगवान माफ कर देंगे ऐसे? हां भगवान माफ करेंगे, भगवान माफ, शादी करने में कोई अन्याय नहीं है। अच्छा सुनो, मैं फोन कर देख, प्लेट फिर ठीक करेगी, हमारे बस्ती ना है, ठीक करना तो कर, रुक जा अम्मा, तेरे समझ नहीं आ रही अम्मा, नहीं मानेगी अम्मा, बीबी नहीं माने, नहीं माने, कर दो, कर दो नंबर फोन, मेरी भी नीड है, पति नहीं है मेरा, जमीन ज्यादा है, अच्छी खासी पैसे वाली हूँ मैं, पैसों की लड़के की उम्र, तुम्हें शर्म नहीं आ रही क्या? कुछ इतनी बड़ी बुजुर्ग लेडी तो होगा, यंग लड़की तो शायद, मेरा पति है ठीक है, और इन्होंने इनसे शादी की है, देखो तुझे क्या मतलब है, मुझे देखो तुझे क्या मतलब है, मैं नहीं हूँ तेरा, मैडम एक सेकंड बुरा मत मानना, आपकी एज कितनी है? 50 एज है मेरी, 50, और आपकी कितनी है? 23, और आपकी मैम कितनी एज है? 21, आप देखो बुरा मत मानना, आपकी ऑलरेडी वाइफ है भैया, तो मतलब मैं इससे प्यार नहीं करता ना, मैं इनसे प्यार करता हूँ, पैसा है मेरे पास, वो तो मेरे फैमिली वालों ने करा दी ना, मेरी आपके पति नहीं है मैम, पति नहीं है मेरे, तो आप किसी बच्चे को फंसा लोगे, वो ऑलरेडी मैरिड है, मेरी भी अपनी नीड है, मेरे पास सब कुछ है, क्या नीड है आपकी? मेरा देखो आगे पीछे कोई भी नहीं है, अरे मैं इससे कुछ नहीं हूँ, तेरी फैमिली वालों ने दिया क्या है, मेरे को प्रॉपर्टी है, दिया है आईफोन, दिया है आईफोन की वॉच, दी अरे क्यों कर दो, जाना दुनिया से, मैं कैसे छोड़ सकता हूं, पति है। ऐसे ऐसे जो है ना, बहुत सारे नमूने मेरे पास पड़े हैं, तो वो ही बात है ना, जिनके अपने घर जो शीशे के हो ना, वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारते। लड़की आई बात समझ, बड़ी आई, चिल्ला तो ऐसे रही है कुत्ते के जैसे, जैसे कि गले की नसें फट कर बाहर आ जाएंगी, चिल्लाने से ना कोई बात नहीं होती, बात तुम्हारी सही नहीं हो जाती, बात समझ आ रही है? बड़ी आई हट। और रहा मुसलमानों से तुम लोगों का कोई कंपेयर नहीं है, माँ बेटी शादी नहीं करते मुसलमानों में, माँ बेटे नहीं शादी करते, भतीजे से शादी नहीं करते, कजन भाई से शादी करते जिसका कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता, यानी कि भाई बहन आपस में शादी नहीं करते जिसमें बाप एक हो, यानी कि उस भाई बहन में ब्लड रिलेशन नहीं होता, कजन्स जितने भी है हमारे इसमें जायज है, हम लोग करते हैं, लेकिन तुम लोगों में तो जायज नहीं है, यानी क्या कि तुम लोगों में तो अलाउड ही नहीं है, चाहे वो ममेरा कजन रहे, चाहे फुपेरा रहे या खलेरा रहे, तुम लोगों में तो अलाउड ही नहीं है, तो फिर तुम लोग कैसे कर रहे हो? हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों में इजाजत है, हम लोग कर सकते हैं, उसमें उंगली उठाने वाली बात ही नहीं, अगर कोई करता भी है, लेकिन तुम लोगों में तो बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं, फिर कैसे कर रहे हो? अरे जाओ पहले अपने घर देखो, अपने घर संभालो, फिर आना यहाँ मुसलमानों के इसमें, है ना, है कि नहीं? बड़ी आई। वीडियो यही खत्म करती हूँ, हाँ लेकिन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, इन जैसे अनभक्त अभी बहुत ज्यादा पैदा हुए हैं और इन लोगों को सरकार ने छूट दे रखी है कि जाओ तुम लोग जाकर इस तरह से मीडिया में भौंको और देखिए कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं, तो ये जो है मुस्लिम जेनोसाइड की तैयारी चल रही है, जैसा कि
रिपोर्ट में आया है, वो रिपोर्ट मैं चिपका दूंगी स्क्रीन पर, देख लीजिएगा। तो ये शायद उसी चीज़ की तैयारी चल रही है, ये जो है माहौल बनाया जा रहा है, इन्वायरमेंट तैयार किया जा रहा है कि कुछ भी बोलो कुछ भी कर लो, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो इनों की, इनकी औकात, असलियत नहीं बोलूँगी, इनकी औकात दिखानी ज़रूरी है कि ये लोग किस औकात के हैं और मुँह खोलते हैं बेशर्मों की तरह। अरे जाओ जाओ, हल्की हो जाओ थोड़ा, जाओ। बस वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, शेयर तो ज़रूरी कीजिएगा बिल्कुल, इस वीडियो को तो शेयर करने की ज़रूरत है, सबको देखना है बिल्कुल। और दूसरी बात, अगर आपको मेरे चैनल पसंद आते हैं, मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो मेरे YouTube चैनल शाज़िल ज़ारा ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड इन जो है ना, इन नफरती चिंटुओं से ज़रा बचकर कान इन लोगों की बातों में मत दिया कीजिए, ध्यान मत दिया कीजिए। ये लोग भौंक रहे हैं, कल चुप हो जाएंगे।